अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? हेलो, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, 4.2 हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की थी, अब हम इसी को नेक्स्ट लेकर चलेंगे। इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मोस्टली इसमें जो हमने टेक्निक यूज़ करनी है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मीन्स दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है? ये आप लोग पहले सेकेंड ईयर में भी कर चुके हैं। मैं मज़ीद इसको दोबारा डिस्क्राइब कर देती हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है और हम कब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन देयर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो तो इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है? और इसको आपने सॉल्व कर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दो फंक्शंस हैं जिनका प्रोडक्ट है। फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रल, सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इस सारे को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड कैसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए बेटा हम एक छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास होता है आई लेट। ये छोटी सी एक टेक्निक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे। तो ये एक टेक्निक है, आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग, नेचुरल लॉग, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कोस, टेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स, ए पावर एक्स। अब इस टेक्निक की मदद से आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीग्रेशन में है ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है? या है आपके पास ए पावर या एक्स पावर टू, साथ है साइन एक्स, या हमारे पास है नेचुरल लॉग एक्स और एक्स की पावर एन। तो अब यहाँ पे देखें, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन और ये है अलजेब्रिक फंक्शन एल ए। तो देखें पहले एल और फिर ए, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड, ठीक है? इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले टी है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये जो है वो आपके पास सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास एक्स के अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आ रहा है तो ये आपके पास सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? चलें अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें देखें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स इज अलजेब्रिक एंड ई इज ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ए टी, तो आई एल ए टी ई, तो ए पहले है और टी बाद में, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, तो एक्स की डेरिवेटिव वन और सेकंड के एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स साइन एक्स ओवर कोस एक्स, तो माइनस अंदर ले लेंगे तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऊपर मौजूद है तो इस पर क्या लग जाएगा, नेचुरल लॉग, ठीक है? तो एक्स टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है? सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स कोसिकेंस के, इस पर भी हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। थर्ड है हमारे पास एक्स एंड नेचुरल लॉग एक्स। अब इसमें देखें ये लॉगरिथमिक और ये है अलजेब्रिक, तो एल ए, तो एल पहले है और ए बाद में, आई लेट है ना, तो एल फर्स्ट में आ जाएगा और ए सेकेंड में। इसी तरह से फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड की इंटीग्रेशन, तो इस पर पावर रूल लग गया और इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स आ गया, तो वन ओवर एन प्लस वन बाहर। अब ये दोनों पावर्स करेंगे तो एक्स की पावर एन, अब इस पर अगेन पावर रूल, तो ये आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है ये अलजेब्रिक है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट और ये सेकेंड। उसी तरह से फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड की इंटीग्रेशन। अब देखें ये बन गई है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें एक्स की डिग्री ऊपर थ्री है और नीचे टू है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड का प्रोसेस यूज़ करेंगे, एक्स क्यूब अंदर और वन प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वन
माइनस ये कट गया तो माइनस वन, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ओह सॉरी एक्स आएगा तो ये भी एक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, पहले क्वेश्चन एक्स देन रिमाइंडर माइनस एक्स और फिर डिवाइड है वन ओवर वन प्लस एक्स के, एक्स पे पावर रूल लग गया और ये एक्स ओवर वन प्लस एक्स के टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नेचुरल लॉग लग जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्यूब है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे सेकेंड और सेकेंड स्क्वायर और इस पर भी बाय पार्ट्स अप्लाई कर देंगे, कोसेकेंड में भी सेम हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसमें देखें आपके पास x माइनस साइन एक्स और वन माइनस कोज एक्स, तो वन माइनस कोज एक्स आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हाफ एंगल फार्मूला साइन टू एक्स आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, इज इक्वल टू टू साइन एक्स कोस एक्स, तो अब देखें ये है साइन एक्स तो ये हो जाएगा, ये एंगल आधा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये एक्स बाई टू और ये भी एक्स बाई टू, और दूसरा वन माइनस कोस टू एक्स तो ये बराबर होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब यहाँ सॉरी एक्स, अब ये है कोस वन माइनस कोस एक्स टू एक्स की बजाय, तो ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो दोनों को अलहदा अलहदा कर देंगे, ये वन ओवर टू ये हो जाएगा एक्स कोसिकेन स्क्वायर और एक साइन साइन से कट जाएगा तो कोज ओवर साइन, तो ये कोट एक्स बाई टू आ जाएगा। अब को अब इस पे हमने क्या लगाया बाय पार्ट्स और ये आ जाएगा कोट एक्स बाई टू, ये माइनस और प्लस कैंसिल तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद जिस तरह से आपने ये एक्स टेन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन की उसी तरह से एक्स साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा लाइक प्रीवियस एक्सरसाइज, अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, आप इसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर और एक्स सेपरेट कर लेंगे इसको सिमिलर करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स की पावर थ्री बाई टू और ये बन जाएगी वन बाई टू, अब देखिए यहाँ सात एक्स मौजूद है तो ये इसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा, तो दोनों पे क्या लग जाएगा पावर रूल, क्लियर है। अच्छा जी इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास अब नया फार्मूला यूज़ हो रहा है, नया फार्मूला में क्या कहता है कि अगर आपके पास वो इंटीग्रेशन e की पावर एक्स साथ है एफ ऑफ एक्स और इस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव साथ ऐड हो रहा है तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा e की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखें अगर हम इसको सेपरेट करें तो ये आ जाएगा वन ओवर एक्स और ये आ जाएगा नेचुरल लॉग एक्स, अब देखिए वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स नहीं होता लेकिन नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स, तो हम क्या कहते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स, तो इस फॉर्मूले की वजह से ये हमारे पास आ जाएगा की पावर एक्स नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखें दोनों के साथ ही ई पावर एक्स अलग कर दें, दोनों में से किसी एक पे बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें, इसने यहाँ पे इस पे किया, अब क्योंकि इसमें लोग आर्थमिक फंक्शन है तो ये पहले आ जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वन ओवर एक्स और ई की पावर एक्स वैसे, तो देखिए ये प्लस और ये इंटीग्रेशन ये प्लस माइनस कैंसिल तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास ई पावर एक्स वन माइनस हाई एक्स और वन माइनस कोज एक्स, अच्छा जी इसमें देखिए अब हमारे पास वन माइनस कोज एक्स है, सेम हमने पीछे वाला फार्मूला यूज़ किया साइन एक्स के लिए टू साइन एक्स बाई टू कोज एक्स बाई टू और इसके लिए टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, दोनों को सेपरेट किए। अब देखें यहाँ पे आप इन दोनों में सेम पीछे वाला फार्मूले वाली सिचुएशन है, आप इस पर बाई पार्ट्स अप्लाई कर दें किसी एक पे, तो ये बाई पार्ट्स अप्लाई किया है तो ये प्लस माइनस कट गया तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले आप इनर वालों को रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मेरा हर मिस्टेक है, उसने ये सारा काम डायरेक्ट कर दिया, नहीं उसने यहाँ पे एक्स की सब्स्टिट्यूशन की है कोस थीटा और थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स और डी एक्स निकाला है, अब क्योंकि यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये साइन की वैल्यू हमने लास्ट में यूज़ करने के लिए फाइंड किया, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे कोस पुट कर दिया, अब वन माइनस कोस होता है टू साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू और वन प्लस कोस होता है टू कोस केयर थीटा बाई टू, टू टू से कट गया तो ये बन जाएगा टेन थीटा बाई टू, टेन टेन इनवर्स से कट गया तो थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा, थीटा साइन थीटा दो फंक्शंस का अगेन प्रोडक्ट बन गया। तो इस पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया और इसमें जो है वो साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें सब्सटीट्यूशन करनी है, x इज इक्वल टू ए टेन स्केयर थीटा, इसकी सब्सटीट्यूशन करेंगे उसी तरह से बाय पार्ट्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इस पर भी बाय पार्ट्स अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इसमें देखेंगे नेचुरल होगा, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन में नेचुरल होगा आ जाता है तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, नेचुरल लॉग का हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता। तो आपने जब भी इसकी इंटीग्रेशन लेनी है सेकंड फंक्शन खुद से वन सपोज कर लेना है, फिर उसका जब आप डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेंगे तो वो एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें हम सबसे पहले इस वैल्यू को रिजोल्व करेंगे एंड देन जो है वो हम यहाँ पर ये एफ ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स वाला जो है वो वैल्यू अप्लाई करेंगे और तो हमारे पास फॉर्मूले से ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने क्वेश्चन नंबर 17 इसमें नेचर लोग एक्स को टी लेट किया है तो एक्स इज इक्वल टी की पावर टी डी टी हो गया, इसको पुट करेंगे फिर इस पर बाय पार्ट्स लग जाएगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 18 इसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को टी लेट कर लिया है और बाय पार्ट्स अप्लाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 20 ये बस क्वेश्चन नंबर 15 तक आप इसको करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हाफ एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।